सगळ्या भाईने राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल हूँ राजेश भाई के स्वागत थारो स्वागत करूँ हूँ। राजेंद्र जी गुड्डा आज खेड पहुंचे ही तो मिला था हरी राम जी मंत्री महोदय याद कर रहे हैं आपको और महेश जी मामला महेश जी आप मंच पे आने का कष्ट करें। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि साफा के बाद मालार्पण कर दें। अब आतो आप समय का भाव देखो मैं हमारी मांग रखी केड पंचायत है एक महीने के ट्रैक को नहीं दौड़ना के लिए बच्चा के लिए तो आज राजेंद्र जी मंत्री जी आए डाट है और बाकी लिए कि मैं मांग रखी कि मैं ट्रैक की मतलब व्यवस्था करवा के दो। तो मंत्री जी यह चीज़ बोले है कि अभी क्या है कि राजस्थान को जब अपना हाईकोर्ट है अभी के अंदर ये चीज़ को फैसला आयोग को नहीं कि गौचर की जो जगह है ना बिना आपका कोई भी पंचायत का काम में ले कौन सका। इसलिए किया कि भैया बोले है कि इस आप निजी खर्चा से तो आप इन कर सका बाकी इनको आप कर कौन सका। लेकिन वो देखो जो भी जी पद के ऊपर है भैया को सेटिस्फाई जवाब दे कौन पाया। बाकी भी आपकी तरफ से यह चीज़ बोले है कि यदि मेरे कन पद है तो मैं सेवा को काम कर रही हूँ बाकी मैं कोई बिजनेस कौन कर रही हूँ। लेकिन भी के बावजूद भैया बोले कि मैं 25,000 रुपया ग्राउंड के लिए दे दूँगा लेकिन एक ग्राउंड में सिर्फ 25,000 रुपया कौन लग गए 10 से 15 लाख रुपया लग गए। तो बीच चीज़ से बच्चा सेटिस्फाई कौन मारी ये 25,000 रुपया दे रहे चलो अच्छी बात है आज एक कच्चो ग्राउंड बन जाओगे। लेकिन मैं हमारी मांग जो है वह सांसद साहब का जिला प्रमुख कन जो भी मारा है सरकारी बजट वो भी मैं रखूंगा और मैं बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड बनाने की व्यवस्था है मतलब बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड बनाऊंगा। और भूमि आवंटन करवा दे देना। भूमि आवंटन हो नहीं सकती इसमें हाई कोर्ट में क्या चल रहा है मुकदमा चल रहा है अभी इसलिए भूमि आवंटन हो नहीं सकता यहाँ पे। तो क्या है कि वैसे तो मंत्री जी ने बोला 25,000 दे देंगे तो एक बार तो कच्चा ग्राउंड बन जाएगा यहाँ पे ठीक है बाकी जो भी है वो हम सरकार से पैसा लेके और 10-15 लाख रुपये लेके उसके बाद में बढ़िया ग्राउंड बनवाएंगे बच्चों के लिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बाकी आप इनसे बात कर सकते हो सर। और 110 से ऊपर है उनमें से एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी पिछले बीजेपी के राज में बना हो एक तो मैं पूछना चाह रहा हूं उसका नाम बता दे। पूरी उदयपुर वाटी में एमपी संतोष अहलावत जी दोनों रिश्तेदार थे एमएलए और एमपी। दिल्ली में भी राज बीजेपी का था और राजस्थान का राज बीजेपी का था। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे थे राजस्थान में वसुंधरा कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी और एमएलए और एमपी की भी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी एक ही पार्टी के थे दोनों। लेकिन उसके बावजूद एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हो एक तो उसका नाम पूछ लेना। आपके भाई ने तो सेंचुरी ठोक दी सेंचुरी सो हॉस्पिटलों की बात करो आप पूरी उदयपुर वाटी में 17 हॉस्पिटल हैं। 70 साल में 17 हॉस्पिटल बने पीएससी उसमें 11 आपके भाई ने बनाए 11। मुझे तो काम करने के लिए 8 साल 62 साल का काम एक तरफ 8 साल का मेरा काम एक तरफ और उनमें बने 6 हॉस्पिटल 62 साल में 2 साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया उसके बावजूद मैंने 8 साल में बढ़ाए 11। इससे खबरती का कोई भी आदमी अपने यहां आ जाए कोई भी आदमी आ जाए यहां तो उसकी उसको सीरियस है तो उसको आयुष दिलाओ बेड दिलाओ उसको जांच कराओ खून दिलाओ जो कुछ भी जरूरत है उसकी। कोई भी आदमी आ जाता है तो उसका वहां जाने के बाद उसका सब कुछ पूरा इलाज कर दूंगा ऐसा लगता है कि वो उसका घर है खुद का घर है और उसी इलाज कराने के लिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा का मौका मिला। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूं राजस्थान के अंदर हम 29 मंत्री हैं सबसे ज्यादा भीड़ आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की रहती है यहां भी और जयपुर में सबसे ज्यादा भीड़। तो आपके लोग नाराज हो जाते हैं कई लोगों को तो आप बहुत गुस्से में बोल देते हो शिवम ने आगे कहा मुझे कि आप लोगों को नाराज कर देते हो लोग तो आप गुस्से में ऐसे कैसे बोलते हो तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा सुन जिसको मैं धमका देता हूं उसके दादा के साथ मैंने पंचायती की है उनके पिता के साथ मैंने बैठ के पंचायती की है तो बोले वो तो आपकी उम्र में आपके बराबर है आपसे बड़े हैं। मैंने कहा मेरे बराबर भी है लेकिन उनके पिताजी के साथ पंचायती की है उनके दादा के साथ पंचायती की है मैंने
क्योंकि सब वो अपने क्यों देवा कड़े हैं हनुमान बाबा के साथ पंचायती बन गई हमें तो मेरा कहने का मतलब है कि ये परिवार के संबंध है आज के थोड़ी है। मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, विकास का मामला ये तो है ही है। जब हम घूमने लगे थे राजनीति में उदय परवाटी बैठ विधानसभा था, आज उदय परवाटी झुंझुनू जिले में बैकवर्ड ही फॉरवर्ड है, चाहे सड़कें हो चाहे विकास हो। आप सोच सकते हो गुड्डा पंचायत था, मैंने उसको नगर पालिका बना दिया, मैंने उसको तहसील बना दिया, परवाटी जाना पड़ता था भैया। और हम ये व्यवस्था करेंगे, जन प्रतिनिधि जनता माँ बाप होती है, हम लोगों को आप लोगों को जाना जाता है आपके माता पिता के नाम से, आपके माता पिता के नाम से जाने जाते हो, लेकिन मेरी पहचान आप हो। राजेंद्र गुड्डा को उदयपुर वाटी की जनता के नाम से जाना जाता है, जनता मेरे माँ बाप, मेरे जनता माई बाप, जनता माई बाप है। और आपको चलते चलते जब तक गरीब आदमी की हिफाजत करता रहूंगा, क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करता रहूंगा, क्षेत्र के जान लगाता, और कोई भी काम हो किसी को मेरे पास आने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं है। आप राजेंद्र गुड्डा के भाई हो, बड़े भाई हो सकते हो, छोटे भाई हो, तो मेरे पास आने को किसी की लाने की जरूरत नहीं है। कोई हो सकता है मेरे पास आदमी दूसरा बैठा ज्यादा आता तो दो काम ज्यादा करवा ले, लेकिन किसी को भी के ऊपर भी सरपंच साहब बैठे हैं, ये अपना जगरवाली के इनके के काम नहीं करें, किसी रोकूंगा से कि हमारा तो एक मत आओ इनको लेगा पत लगे भगवान को जरूर हाँ इनकी है नहीं जाए मरे बीच में लोग हो जाए इनकी सेवा। और राजेंद्र गुड्डा गरीब से दौड़ पर पकड़ने वाला पंच है दवा बैरुजीन का चोर मछी गुंजम है, बैरुजीन तेल और मछी गुंजम है। बिरबाल जी इस चीज को आपका सत है, मैंने कभी भी पूरी ईमानदारी से कार्य कोशिश की और किसान वर्ग से हुआ, कुंवर नरेंद्र सिंह किसान नहीं थे, राजपूत थे, लेकिन अच्छा काम किया। आज भी एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी जोधपुर की जो है वो बनाने वाले, उसके लिए वो अनुसंधान हमारी राजस्थान की खेती को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग थे, इसके लिए लोगों को याद किया जाएगा। अच्छा काम बढ़ेगा तो ये चाहते हमारे हाथ से कोई काम हो हमारे आदमी किसको दे, इसलिए दुनिया में तो एक बच्चा बढ़ेगा अपना जानेगा वहां, लेकिन जाने के बाद सबसे बड़ी आपकी पूंजी वो है आपका बेटा कहीं बैठा है, आप बच्चों के भी बेटा खाना की सील के अंदर बैठा है और वहां चले कुछ नहीं कराया तो उसकी इज्जत बढ़ जाए, उसमें उस भाई है पता चले बाप का बेटा है तो उसे कहने से बेटे अंबर कम हो जाए, बेटे को नीचा देखना पड़े, उसे कुछ नहीं निकलता। तो मैं तो आपको एक चीज, केंट गांव ऐतिहासिक गांव है और केंट गांव ने सदाई मुझे आशीर्वाद दिया है, सदाई मुझे ताकत दी है और इसके लिए शानदार कार्यक्रम आपने रखा आप सरपंच साहब, और हम यही व्यवस्था एक कार्यक्रम कीजिए और उस कार्यक्रम के अंदर जिले के सारे आप यहाँ कार्यक्रम को यह सात्री चौपाल रख लो और यहाँ जे एसपी हो बाकी के हमारे तहसील के अधिकारी हो, हम हमारे प्रतिनिधियों को हमारे सरपंच है हमारे पंचायत से मेंबर है इनके अलावा जो से हम मौजूद आदमी है हम बैठेंगे और ये व्यवस्था करें कि डायरेक्ट काम कराए, हमारे पास में आना नहीं पड़े लोगों को, डायरेक्ट आके अपना काम कराए और लोगों को आपस में अन्य हुई।